वालेकुम सलाम, माशाल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह। यार ऊपर तो ठंड है, ठंड के यकीन करो नीचे गर्मी है। तो हम आ गए हैं जी, सामने ये जबल आपको नज़र आ रहा होगा, बीच में से देखें ये जबल जो नज़र आ रहा है, ठीक है। इस जबल को माशाल्लाह से क्रॉस करके आ गए, अच्छा जी सीन ये है कि सीन बड़ा ज़बरदस्त है हमेशा की तरह माशाल्लाह से। तो आज का भी जो है सीन बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने तलंगा डैम पर जो दिन गुजारा उसके मुकम्मल डिटेल मैंने आपको दिखाई थी। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम बड़ा ज़बरदस्त काम करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, ख़ास तौर पर के जो लोग ट्रैवलर हैं। क्या करने जा रहा हूँ, आज मैं इसी जगह पर मौजूद हूँ तलंगा में, यही जो मेरे भाई हैं माशाल्लाह सारे बैठे हुए हैं, इन्हीं की जगह है। बहुत मोहब्बत करने वाला बंदा है ये माशाल्लाह से, हमेशा मैं इधर आता हूँ। तो तलंगा का तो खैर देखे मैं आपको टूर करा चुका हूँ बार बार, एक ही चीज़ को मैं रिपीट नहीं करूँगा, अच्छा नहीं लगता। तो आज यहाँ से इसी होटल से जो लास्ट वीडियो में आपने देखा था, यहाँ से आज मैं आपको ले करके जा रहा हूँ बड्डो जबल। एक नया रास्ता मैंने तलाश किया है, देखें मुकामी जो लोग हैं उनके लिए यह रास्ता पुराना है, वो बड़े अरसे से इस पर सफ़र कर रहे हैं, बड़े अरसे से ये इस पर आमदोरफ्त है, लोग आते जाते हैं, लेकिन मुझे मालूम चला तो मैंने कहा ये शॉर्टकट है बड्डो जबल के लिए, ख़ास तौर पर कराची वालों के लिए। तो उसमें दो बातें, एक तो देखें आपकी ऑफ रोडिंग भी हो जाती है और शॉर्टकट में आप बड्डो जबल पे पहुंच जाते हैं। वरना क्या होता था कि बड्डो जबल हम आते थे हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद से पहले जाम शोरों से हम टर्न लेते थे, 7 से 12 हम बड्डो जबल आते थे, तो वो जो है बड़ा लंबा रास्ता पड़ता था, यानी कि कम से कम भी मेरा ख्याल है 400 किलोमीटर पड़ते थे, 450-450 किलोमीटर। तो ये रास्ता एक मैंने शॉर्ट निकाला है और इसके मैक्सिमम जो किलोमीटर हैं वो हैं 200 किलोमीटर बनते हैं मेरे हिसाब से, मेरे घर से। देखें मेरे घर से मुराद ये कि 30 से 40 किलोमीटर का फ़र्क हो सकता है किसी के भी घर से, यानी कि आपके घर से भी कराची अगर आगे घर है तो आपके उतने किलोमीटर ज़्यादा हो जाएंगे, अगर आपका घर पीछे है थोड़ा हब की तरफ है तो उतने किलोमीटर आपके कम हो जाएंगे, मेरे 30-40 किलोमीटर ज़्यादा बनते हैं। तो ये बच्चा भी माशाल्लाह देखो अभी बोर से पानी भर के लाया, इनके ज़बरदस्त ज़मीनों का पानी है और बड़ा ही ज़बरदस्त हल्का पानी और शफाफ, नीट एंड क्लीन, यकीन कीजिए मैं पीता ही यही हूँ बोर का पानी, यहीं का पानी पीता हूँ, मज़ा आता है उसको पीने में। तो आज जो है हम चलेंगे इंशाल्लाह ताला बड्डो जबल, और बड्डो जबल का बड़ा ज़बरदस्त रास्ता है। करना क्या है देखें अभी बता देता हूँ, तमाम लोगों की फिर एक शिकायत रहती है कि आप गाइड नहीं करते, जबकि मैं हर वीडियो में तमाम बातें बताता हूँ और प्रॉपर शेयर करता हूँ। यहाँ से आप लोगों ने देखें जाना है, यानी कि यहाँ से मुराद तलंगा डैम, तलंगा जो जगह है यहाँ से आपने जाना है, सहतानी स्टॉप आता है, किसी से भी पूछें हर लोकल बंदा आपको गाइड करेगा कि सैतानी स्टॉप कहाँ पर है, हर आदमी बताएगा, हर आदमी को इस जगह का मालूम है। जब आप सैतानी स्टॉप पर पहुँच जाएँ तो फिर आपने कहना है कि भाई हमने बड्डो जबल जाना है, उसका रास्ता बता दें, या आप ये भी कह सकते हैं कि ठोटलक एक पास आता है, यानी कि पहाड़ है उसको पार आपने पास करना है, उस पास को ठोटलक पास कहते हैं, उसको क्रॉस करने के बाद बड्डो जबल आता है। यहाँ से जो ठोटलक तक का सफ़र है तकरीबन 12 से 14 किलोमीटर बनते हैं,
और उससे आगे जो है उस पास को जब आप क्रॉस करते हैं पहाड़ को, यानी कि एक तरह से ये भी कह लें कि वो कीर्थर जबल है। कीर्थर वही जो आईबैक्स का मस्कन है, इसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। उसको क्रॉस करने के बाद उससे आगे जाते हैं तो तकरीबन बड्डो जबल तक जाने में 28 से 30 किलोमीटर लगेंगे, और ये भी वैरी करेगा। वैरी से मुराद ये कि बड्डो जबल पर बहुत सारे रास्ते हैं, एक रास्ता नहीं है। जो हमने रास्ता लिया मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वरना जबल पर चढ़ने के बहुत रास्ते हैं, किसी भी रास्ते पर आप चढ़ सकते हैं, आप पहुंच जाएंगे। अगर जब जबल पर नहीं भी चढ़ना, वो भी मैं आपको बता दूं, फिर आप बारीजा चले जाएं, नहीं बारीजा वो आगे जहांगीरा क्या है, जहांगीरा बाजरा, बाजरा और जहांगारा दो जगह हैं, उस तरफ आप चले जाओ तो आप स्ट्रेट सीधे सीधे साफ साफ चले जाएंगे, आपको ज़्यादा फिर ऑफ रोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, आप वहाँ से घूम के बड्डो जबल पर आ जाएं। लेकिन खैर मैंने जो है शॉर्टकट ही लिया, मैं स्ट्रेट बड्डो जबल चढ़ूँगा। आप भी देख लीजिएगा किस तरह से कहाँ जाता हूँ, रास्ते में भी जो बताना होगा इंशाल्लाह ताला आपको बताऊँगा। अपना सफ़र जो है आज का शुरू करते हैं। ठीक है लाला, अच्छा जी अभी सीन ऐसा है कि मैं पहुंच चुका हूं सैतानी स्टॉप, इसको सैतानी स्टॉप कहते हैं, सैतानी स्टॉप है ये, कि माशाल्लाह से यहां पर ये दुकानें वगैरह हैं, पूरी एक मार्केट है। और आपको मालूम है कि बहुत सारे गोट जो होते हैं उनकी मिला के जो होता है एक मार्केट बनी होती है, और ये बहुत सारे गोठों को टच कर रही होती है, तो बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल है माशाल्लाह से। जबल तक पहुंचने में 15 मिनट लगेंगे, बस ही वो जबल आ जाएगा, वो जबल भी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले भी मैं ऐड कर चुका हूं, दोबारा उसके कुछ सीन ऐड कर दूंगा। तो आगे का जो है सफ़र अपना शुरू करते हैं। यहां पर बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है माशाल्लाह से, ये मस्जिद है लाला, ये माशाल्लाह से मस्जिद भी है यहाँ पर, और मस्जिद तो ये लोग लाजमी बनाते हैं सब जगह पर। तो यहाँ से आगे निकलता हूँ जी, फिर आगे भी चल करके आपको बताता हूँ, जब मैं जबल के पास पहुँच जाऊँगा तो वहाँ का भी आपको मैं माहौल चेक कराऊँगा। तो यहाँ से कुछ खाने पीने की चीज़ ले लेते हैं, इसलिए कि जबल पे जा कर के लंबा चौड़ा रास्ता है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जनाब, खैरियत से? ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जबल पे जा रहा था, मैंने कहा कुछ ले लूँ, जबल का मौसम का पता नहीं, गर्मी वैसे भी गर्मी। जूस है कोई? जी। दे दे। कौन से हैं? सेब वाले। मैंगो का नहीं है? ये सेलास। हाँ ये दे दो, ये दो। दो दो। एक कितने का? एक 60 रुपये। 60 का दो दे दे। ये देखें जी, यहाँ पर माशाल्लाह से 4-5 गोट देखें, मैंने आपको बताया कि उनको ये जो मार्केट है वो कवर करता है, 4-5 गोट, 6 गोट, जितने करीब करीब के लोग हैं यहीं पर आते हैं। माहौल पहले मैं आपको चेक करा चुका हूँ, मैं दोबारा चेक करा देता हूँ। ये माशाल्लाह से, मैंने कहा यहाँ से मैं ले लूँ कुछ सामान थोड़ा खाने पीने का, इसलिए कि आगे पर मैंने जबल पर जाना है। तो बिस्किट भी दे दें मुझे, ये ग्लूको दे दें, हाँ ग्लूको दो दे दें, ग्लूको मेहरबानी। कितने हो गए लाला? ये हो गया 160। ठीक।
अभी आप चेक कर सकते हैं कि मैं कितनी हाइट पर आ चुका हूँ। ये देखें, यही वही जबल है जिसको मैंने आपको अभी वीडियो में भी दिखाया, ड्रोन व्यू भी। इसको क्रॉस करना है, देखें, जब इसको क्रॉस करेंगे तो फिर हम बड्डो जबल वाले पे रास्ते पे चले जाएंगे, यानी कि उस जबल के पास चले जाएंगे। तो यहाँ से देखें, एक ही जगह से क्रॉसिंग है, हो सकता है दूसरी जगह से भी हो, लेकिन मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अल्लाह पाक खैर करेगा, इंशाल्लाह आगे भी खैर खैरियत से पहुँच जाऊँगा। तो अब आप देखिए कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। देखें, ये बिल्कुल नीचे से आ रहा हूँ और यहाँ तक देखें बामुश्किल 16-17-18 किलोमीटर बने, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्या है कि ये शॉर्टकट रास्ता है ना, जो कि मैंने अख्तियार किया। और देखें, रास्तों को देखना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। मेरी भी कोशिश होती नए से नए रास्तों को तलाश करूं, तो अल्लाह ताला खैर करेगा यहाँ तक पहुँच गया हूँ। इंशाल्लाह इससे आगे भी पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अभी मज़ीद देखें हाइट पर आ गया हूँ मैं, इसीलिए आपको बीच में जो है ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि कितनी हाइट पर पहुँचा हूँ। देखें, वो वहाँ से सड़क आ रही है, सड़क तो नहीं है, पगडंडी है छोटी सी, हो सकता है आपको नज़र आ रही हो। कोशिश करता हूँ मैं दिखाने की। ये देखें, ये जो है ना पगडंडी, ये वाली, तो यहाँ से ये देखें, इससे आ रहा हूँ और आ किधर से रहा हूँ, वो बिल्कुल नीचे से आते आते देखें यहाँ तक पहुँच गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जबल के ऊपर देखें, ये सड़क है, वो सड़क खैर बारिशों की वजह से ख़राब हुई हुई है, ये वाली। अब मैं उसके ऊपर चढ़ा नहीं, जब मैंने उसकी नीचे से हालत देखी तो मैं वापस आ गया। फिर एक अल्टरनेट इन्होंने एक रास्ता निकाला, ये वाला, बाइक्स के लिए ना, बाइक्स आराम से जाएंगी, ये भी उसी पे जा रही हैं, वो भी वहाँ से वहीं पे आ रही है, वहाँ से नीचे से वो सड़क ख़राब थी। तो मैंने भी जो है फिर अल्टरनेट आ गया हूँ। वैसे यहाँ कुछ समझ नहीं आता, अल्लाह तो अक्ल ही बताता है, लेकिन लोग जो हैं वो बहरहाल आपको गाइड कर देते हैं, रास्ते पर डाल देते हैं कि भैया ये रास्ता है, तो परेशानी की बात नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, और मज़ीद हाइट पर आ गया हूँ। अभी इसको क्रॉस करता हूँ लक को, फिर आगे चल करके आपको मैं मंज़र दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पर पहुँचा। अच्छा जी, अभी सीन ऐसा है कि देखिए मैं बताता चलूं, मैं एग्जैक्ट उस जगह पर आ गया हूं जिसे हम ठोट लक पास कहते हैं। ये वही पास है, एक ही रास्ता है दुर्रे जी से बड्डो जबल जाने का। तो यहां पर मैं पहुंच चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह खैर खरियत से। लेकिन सीन ये है कि वीडियो देखे बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही है, इसको मैं यहीं पर एंड करूँगा। अगली वीडियो में हम यहीं पर आगे से कंटिन्यूस करेंगे, इसलिए कि तकरीबन 20 मिनट की देखें वीडियो हो चुकी। तो इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो को जो नेक्स्ट आने वाली होगी यहीं से उसको मैं स्टार्ट करूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। यार ऊपर तो ठंड है, ठंड के यकीन करो, नीचे गर्मी है, नीचे गर्मी।
इधर तो मजा आ गया ऊपर बैठ के। मैं उधर नीचे दरख्त पे थोड़ी देर रुका, थोड़ा वीडियो किया, उधर से तो मेरा दिल ही नहीं किया। नहीं ये तो माशाल्लाह जबरदस्त, सुभान अल्लाह। अच्छा अभी हमने इधर से जाना या इधर से उतरना? अच्छा अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खरियत से। देखें यहाँ से अभी मैं नीचे उतरा हूँ, जबल के ऊपर खैर खरियत से पहुँच गया हूँ। और यहाँ पर जो है ना जबल ही जबल है माशाल्लाह, जिधर आप देखो जबल ही जबल है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। खैर हमने इस रास्ते से नीचे उतरना है तो वो भी आगे मैं दिखाता हूँ। ये भाई माशाल्लाह से मुझे लेने आए हुए थे, यहाँ पर बहुत देर से बैठे हुए हैं क्योंकि मैं नीचे भूल भुलैया हूँ, मैं फंस जाता हूँ कभी इस तरफ कभी उस तरफ। तो इनकी मेहरबानी है, ये माशाल्लाह से मुझे लेने आए। अल्लाह पाक इनको खुश रखे सलामत रखे। तो इनके साथ मैंने प्रोग्राम बनाया था। अच्छा सिग्नल नहीं आते अभी इधर ऊपर आ रहे? नहीं। अच्छा यहाँ पे भी सिग्नल नहीं? भाई से मैंने कल प्रोग्राम बनाया कि बस आप ऊपर जबल पे आ जाना, ये कर लेना वो कर लेना, हम इतने बजे पहुंचेगा। माशाल्लाह भाई देखो जबल पे आ गया और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया। तो भाई ने इंतजार किया लेकिन बहुत ज्यादा, घंटा डेढ़ किया इंतजार ना माशाल्लाह। तो मुझे बस थोड़ा देर हुई निकलने में। अल्लाह ताला इनको खुश रखे सलामत रखे। इनके साथ बड़ो जबल जाएंगे, फिर बड़ो जबल का पूरा आपको मामला दिखाऊंगा। ये देखें शॉर्टकट रास्ता है, देखें ये रास्ता है। एक सड़क देखें ये भी आ रही है लेकिन ये खराब थी इस वजह से। आगे थोड़ा दिखा दें, ये रास्ता थोड़ा खराब था तो यहाँ से फिर डाइवर्ट उन्होंने ना दिया तो मैं उससे फिर आ गया। ये सड़क मेरे ख्याल बारिशों में खराब हुआ है वरना ये सीधा है। मैं आपको खैर नीचे से भी दिखा दी थी लेकिन मैंने कहा आपको यहाँ से भी दिखा दूं फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। कि वो मैं नीचे नजर आया था उधर, ये देखा ये रास्ता भी है। जाने को जा सकते हैं, बाइक जाती है लेकिन बहुत खराब रास्ता है, पत्थर ही पत्थर है। मतलब वो अभी तो यहाँ से आपको ठीक नजर आ रहा है लेकिन इससे नीचे जाएंगे बहुत बड़े बड़े पत्थर है। पहले मैं इसी पे चढ़ गया था लेकिन फिर वापस उतरा, फिर वहां से घूम के उस तरफ से यहाँ पर आया। वो भाई भी माशाल्लाह आए हुए हैं, ये देखें यहाँ पर लोग जो है ना इसी तरह घूमते हैं। ये देखें ये भाई भी उधर से आए हुए हैं। तो ये बताने का मकसद था, देखें वो सामने से मैं आ रहा हूँ, वो तलंगा है उधर सामने, वहां से आते हुए यहाँ तक तकरीबन 20 किलोमीटर मुझे बने और ज्यादा नहीं है। और इससे आगे जो है कराची से वहां तक मेरे को बने थे तकरीबन 165 किलोमीटर बने थे। तो ये शॉर्ट है लला। तो बड़ो जबल जा रहे हैं जी, पहले बड़ो जबल पहुंच जाए फिर आपको सारा सीन चेक कराएंगे, वहां का मंजर दिखाएंगे, फिर आपको पूरी कहानी तफसील बताएंगे। तो यही मेरी कोशिश थी कि शॉर्टकट जो है रास्ता जो है वो बड़ो जबल का लिया जाए, क्योंकि अगर हम देखें कराची वाया वहां से आते हैं ना सेवन से, वो बहुत लंबा रास्ता है लला, 400-450 किलोमीटर बन जाता लला। तो ये मेरी कोशिश थी कि शॉर्टकट करूं, और शॉर्टकट में ये फायदा है कि माशाल्लाह से ऑफ रोडिंग भी आपकी हो जाती है और जबरदस्त माहौल है लला। ये अभी सामने बड़ो जबल है सर? अच्छा